फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि नॉन सर्जिकल रैनोप्लास्टी क्या होती है, कैसे की जाती है और किस कंडीशंस में नॉन सर्जिकल रैनोप्लास्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आज इस विषय पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नॉन सर्जिकल रैनोप्लास्टी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है और क्या होती है। देखिए, आप जानते हैं राइनोप्लास्टी मीन्स नोज जॉब, नोज सर्जरी। और राइनोप्लास्टी हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर फंक्शनल कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो फंक्शनल राइनोप्लास्टी होती है। और अगर नोज की शेप को इम्प्रूव करना है तो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की जाती है। अब जो राइनोप्लास्टी है वो नॉर्मली एक सर्जरी होती है और एक लंबी सर्जरी है, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे चलने वाली सर्जरी होती है। और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो सर्जरी कराएं राइनोप्लास्टी के लिए, तो उसके लिए वो ऑप्शंस ढूंढते हैं कि क्या तरीका है बिना सर्जरी के भी हम नोज़ की शेप को चेंज कर सकें। तो ये नॉन सर्जिकल नोज़ जॉब की जो टेक्निक्स हैं, ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ फ़ायदे होते हैं इन नॉन सर्जिकल टेक्निक्स के। जैसे अगर आप एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी करते हैं तो इस सर्जरी का डाउन टाइम होता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते हैं, सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, ब्रूजिंग होती है, वो सब सेटल होने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त ले लेती है। एंड समटाइम आपके पास समय नहीं है, मैरिज होने वाली है, फंक्शन है, शूट है, एंड उतना टाइम नहीं है कि हम वेट कर सकें और दे सकें। तो ऐसे केसेस में नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो टाइम अगर आपके पास शॉर्ट है, इस केस में नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का इस्तेमाल एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है और हम उसको शॉर्ट पीरियड में एक रिजल्ट आपको ला सकते हैं बिना किसी डाउन टाइम के। तो कैसे की जाती है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, क्या क्या टेक्निक्स हैं इसके अंदर, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है वो है फिलर्स, या कभी कभी फैट ग्राफ्टिंग भी की जाती है। तो हम फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, या फैट ग्राफ्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं नोज़ की शेप को चेंज करने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं जानते हों कि फिलर्स जो हैं वो हम फेस में यूज़ करते हैं रिंकल्स के लिए, बट आजकल इसको नोज़ जॉब के लिए, राइनोप्लास्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फिलर्स को, किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहली जो कंडीशन है जो नोज़ में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है फिलर्स के लिए, वो है नेज़ल हम्प। आप जानते हैं डॉर्सम ऑफ द नोज़, यानी नाक का जो ऊपर का हिस्सा है, कई बार वो बीच में उठा होता है एक हम्प की तरह, जैसे ऊँट की पीठ पर एक हम्प होता है वैसा एक हम्प बना होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जहाँ पे फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है राइनोप्लास्टी में। दूसरा आता है डीप रेडिक्स। रेडिक्स यानी वो हिस्सा नाक का जो नाक का और माथे के बीच में जो एंगल बनता है, फोरहेड और नोज़ के बीच में जो एंगल बनता है, उसको रेडिक्स बोला जाता है। कई बार ये रेडिक्स बहुत डीप होता है और इस रेडिक्स की हाइट को बढ़ाने के लिए हम इसमें फिलर्स डाल सकते हैं। जब हम रेडिक्स की हाइट बढ़ाते हैं तो अपेरेंटली हमको ऐसा लगता है कि नोज़ की लेंथ भी बढ़ गई। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डीप रेडिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिलर्स का, वो कर सकते हैं नोज़ की टिप को शार्प करने के लिए, थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए। तो टिप प्लास्टी में भी हम फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा डॉर्सल ऑगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा अगर हमें नोज़ की हाइट नहीं बढ़ानी है, थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है, तो हम फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉर्सल ऑगमेंटेशन के लिए भी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीप रेडिक्स हो गया, डॉर्सल हम्प हो गया, टिप प्लास्टी हो गया, डॉर्सल ऑगमेंटेशन, इन सब कंडीशंस के अंदर हम कुछ हद तक फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं नोज़ की शेप को चेंज करने के लिए। एक और टेक्निक जो अभी इस्तेमाल हो रही है नोज़ की शेप को चेंज करने के लिए नॉन सर्जिकली, वो है थ्रेड लिफ्ट्स। तो आप जानते हैं थ्रेड लिफ्ट्स का इस्तेमाल आज चेहरे पे किया जा रहा है फेस लिफ्ट करने के लिए, और इसी तरह से नोज़ पे भी करते हैं। नोज़ में कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दो कंडीशंस हैं जहाँ पे नोज़ में थ्रेड्स का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। एक कंडीशन है नोज़ के अंदर, अगर आपने नोज़ की टिप को और नोज़ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, अगर आपकी ड्रूपिंग टिप है और उस टिप को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचना है, तो कॉक थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉक थ्रेड्स को नोज़ में डाल के ऊपर की तरफ पुल किया जा सकता है, तो टिप थोड़ी सी एलिवेट हो सकती है।
दूसरा इसका जो रोल आता है वो वाइड एला में आता है, यानी जो नथने अगर काफ़ी चौड़े हैं उसको आप अगर टाइट करना चाहते हैं, उसको अगर आप नैरो करना चाहते हैं तो थ्रेड्स के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल होने लगी है तो एला प्लास्टी के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम एला प्लास्टी और थ्रेड लिफ्ट को एक छोटी सी सर्जरी के साथ लोकल में भी कर सकते हैं, जिसका हीलिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं होता और बाहर कोई स्कार भी नहीं आता। इसके ऊपर हम अलग से एक पूरा वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख सकते हैं और उस पर भी हम आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ हम राइनोप्लास्टी में थ्रेड लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन सर्जिकली नोज की शेप को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए आप। अगर आपको ये चैनल, आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। हमारे और भी कुछ वीडियोस बने हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, राइनोप्लास्टिक के ऊपर, विटलिगो के ऊपर और एंटी एजिंग पर, आप उनको देखना ना भूलें। आपके कोई सजेशंस हों, सुझाव हों कि किस तरह के वीडियोज़ आप और देखना पसंद करेंगे तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। और अगर कोई आपके डाउट्स हैं राइनोप्लास्टी के बारे में तो कुछ नंबर्स आपसे शेयर कर रहे हैं, इस नंबर्स पे आप कॉल करके राइनोप्लास्टी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से, आशा रखता हूँ कभी हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।